7, 8, 9 सारे नंबर्स मैच हो जाए और ये अलमारी खुल जाए। क्यों करती हूँ? श्रीम ब्रिंग सर्विलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग 5, 7, 9, 10 सारे नंबर्स मैच हो जाए और ये अलमारी खुल जाए। चलो खुल गया। कहाँ है जादुई गाय? रानी देवी तो वहाँ है, प्रोफेसर भूल भुलैया भी है, लेकिन फिर जिया कहाँ है? जिया? नानी, नानी, नानी मैं यहाँ हूँ। जिया की आवाज? ये जिया की आवाज कहाँ से आ रही है? जिया, 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 जिया। नानी मैं यहाँ हूँ। प्लीज मुझे इस पूल से निकाल के ना। जिया, फूल जैसी जिया फूल में कैद है, अब मैं क्या करूं? मुझे किसी तरह वो फूल रानी देवी के हाथ से लेना ही होगा। कैसे? तुमने अभी बोला कि तुम्हें कोई बहुत जरूरी बात करनी है मुझसे। सुषमा तुम यहाँ क्या कर रही? प्रणाम रानी देवी, वो ये है कि हमारी जिया है ना, वो बेचारी बहुत रो रही है, आप उसका एग्जाम मत लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एग्जाम लेना ही है तो कम से कम कुछ गुड लक के तौर पे उसके लिए भेज दीजिए, ताकि उसे कॉन्फिडेंस आ जाए। हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। अंगूठी ले लो। नहीं नहीं नहीं, अंगूठियाँ बहुत है जिया के पास, वो पहनती भी नहीं है। वो परिस्तान की कोई ऐसी चीज़ जैसे कि पेड़ पौधा फूल फूल इस्तेमाल किया हुआ फूल भी चलेगा। ये ले लो। हाँ, लवली। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रानी देवी, ये फूल को देख के मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है प्रोफेसर? मेरे पास भी एक ऐसा ही फूल था जो मैं रानी देवी के लिए लेके आया था। दासी, जाओ रानी देवी को बुलाओ। प्रोफेसर! ओहो, जाओ ना, जाओ जाओ बुला के लाओ। रानी देवी को बोलो प्रोफेसर भूल भुलैया आए हैं। प्रोफेसर, मैं रानी देवी हूँ। घर वापस आ गई है। चल 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 चल, तैयारी कर, जल्दी चल। मुझे ना 12 घंटों में एग्जाम की तैयारी करनी है। क्या एग्जाम? कौन सा एग्जाम? अरे एग्जाम, जादू वाला एग्जाम जो रानी देवी लेने वाली है। रानी देवी? ये रानी देवी कौन है? है प्रोफेसर भूलभुलैया के साथ रहकर ये सब कुछ भूल चुकी है, इसे याद दिलाना होगा। जिया बेटे, जिया बेटे, तू परी है? परी श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग
वर्तमान बदलेंगे। हाँ मैं परी हूँ और मुझे एक एग्जाम देना है। श्रृंग भृंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, मेरा जादू चल जाए सामने वाला कद्दू बन जाए। ये तुमने क्या किया, मुझे बाहर निकालो। ओहो मैंने नानी को कद्दू बना दिया। एक मिनट नानी, श्रृंग भृंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, याद आ गई भूली कहानी, कद्दू में से निकला है मेरी नानी। वैसे प्रोफेसर भूल भुलैया के पास जाकर इतना फायदा तो हो गया, अब तेरा जादू मिसफायर नहीं हुआ। किताब ले और पढ़ना शुरू कर, तब तक मैं अपने लिए जादू प्रूफ जैकेट मंगा लेती हूँ। ये सब क्या है? ये जादू प्रूफ जैकेट है, बुलेट प्रूफ जैकेट होता है ना, जिस पर बुलेट का असर नहीं होता, उसी तरह इस पर जादू का असर नहीं होने वाला। मैं आराम से बैठती हूँ, तो मन चाहे जितना जादू करती जा, जादू करती जा। अच्छी तरह पास होने वाली है, याद रखे। देखिए नानी, हर एग्जाम के पहले ना प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को स्पेशल क्वेश्चंस देते हैं, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए और मुझे बताइए ना कि आज के एग्जाम में कौन से सवाल पूछे जाएंगे। अब ये सब छोड़ और दही शक्कर खा ले, इससे तेरा दिमाग ठंडा रहेगा और तू जादू अच्छी तरह से कर पाओगे। खुश रहो, चलो परीक्षा का समय हो गया है, किताब रख दो। जी रानी देवी। ऑल द बेस्ट जिया, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट दीदी। थैंक यू। आठवीं लेवल की परीक्षा शुरू होती है जिया, तुम ऐसा जादू करो जिसमें बादल और बिजली आए मगर किसी को तकलीफ ना हो। जी बादल और बिजली, श्रृंग भृंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, किसी को चोट ना आए, बादल बिजली यहाँ गिर जाए। लगता है जिया फेल हो जाएगी, कुछ तो करना पड़ेगा। श्रृंग भृंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, किसी को चोट ना आए, बादल बिजली यहाँ गिर जाए। फिर एक घंटे के बाद आऊंगी। नहीं बात नानी, आपने ठीक नहीं किया, ये चीटिंग है। ये बिल्कुल चीटिंग नहीं है, प्यार जंग और एग्जाम्स में सब कुछ जायज है। ये सब बातें छोड़ो और लेवल 9 की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दो, वरना 5 साल के लिए परिस्तान जाना पड़ेगा। जी हाँ सोच लो। टेंशन मत लो जिया बेटे, लर्न टू रिलैक्स। जनरली स्ट्रेस और टेंशन की वजह से स्टूडेंट सब कुछ भूल जाते हैं। कम ऑन दूध पी लो। पापा अभी नहीं प्लीज। खुश रहो जिया, तुम तैयार हो? शायद। जिया बेटे हिम्मत करना, तुम सब कुछ कर सकती हो, जस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। तो शुरू करें बेटा। अच्छा किताब दे दो। अच्छा जिया, लेवल 9 के लिए तुम ऐसा कुछ जादू करो जिससे हम सब छत पर उल्टे लटक जाएं पर घर वैसा का वैसा ही रहे। बीबो, पता नहीं जिया दीदी क्या करेगी। चल बेटे। श्रृंग भृंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, दुनिया ऐसी उल्टी हो जाए, घर रहे सीधा, हम सब छत से उल्टे लटक जाएं। ये क्या जिया,
सब गड़बड़ हो गया, तुम फेल हो गए। रानी देवी मेरी जिया को एक मौका और दीजिए, वो ये जादू कर सकती है। प्लीज रानी देवी, प्लीज, एक बस एक मौका और। श्रृंगिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदले, दुनिया ऐसी उलट जाए, घर रहे सीधा, हम सब उल्टे लटक जाए। अरे वाह जिया, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम तो पास हो गई। रानी देवी, मुझे आपसे कुछ कहना है। वो ये कहना चाह रही रानी देवी कि जिस तरह उसने लेवल 9 की परीक्षा पास कर ली, उसी आसानी से वो लेवल 10 की परीक्षा भी पास कर लेगी, है ना जी? ये कहना चाहती रहती हूँ। हाँ वो हाँ कह रही है। मैं तुम्हारे आत्मविश्वास से बहुत खुश हूँ। लेवल 10 के लिए मैं वापस आ रही हूँ, एक घंटे में तैयार हो जाना। ये सब क्या हो रहा है? इस तरह परीक्षा पास करने से बेहतर होगा कि मैं 5 साल के लिए परिस्थान चली जाऊँ। मुझे ये चीटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है नानी। समझने की कोशिश कर, अगर तुम 5 साल के लिए परिस्थान चली गई तो हम सबसे कभी नहीं मिल पाओगी, ध्रुव से भी नहीं। और इस बीच अगर ध्रुव ने पैम से शादी कर ली तो? प्लीज बेटी, थोड़ी बहुत चीटिंग तो अलाउड है ना। आज पहली बार मैं सासू माँ की बातों से सहमत हूँ। थोड़ी सी चीटिंग दीदी, प्लीज, एक लेवल तो बाकी है। तुम्हारी आखिरी परीक्षा, अगर तुम इसमें पास हो गई तो तुम्हारी सारी सजाएं माफ हो जाएगी और मैं चाहती हूँ कि तुम पास हो जाओ। अच्छा शुरू करें जी। अच्छा एक किताब रख दो। और जिया मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा जादू करो कि इस कमरे में तितलियां ही तितलियां हो जाए। मेरे प्रसाद, तुम सिर्फ होटल आना, मंत्र तो मैं पढ़ूंगी। क्या प्रसाद खा रही थी? आप ही का प्रसाद। अब मैं ना आपके पीछे आकर बस ऐसे खड़ी हो जाने वाली हूँ। ऑल द बेस्ट। शुरू करो जी। श्रृंग ब्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदले, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छाए, इस घर में तितलियां आ जाए। अरे वाह जिया, तुमने तो कमाल कर दिया, नानी से भी बढ़कर जादूगर बनी हुई। मुझे तुम पर गर्व है। नहीं रानी देवी, प्लीज ऐसे मत कहिए। बात यह है कि 8, 9 और 10 लेवल की परीक्षा मैंने पास नहीं की है। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती, मैं डिसऑनेस्ट नहीं बनना चाहती रानी देवी, और मुझे चीटिंग से एग्जाम पास नहीं करने हैं। जिया ये तुम क्या कह रही हो? नानी मैं सच कह रही हूँ, और प्लीज आप में से कोई भी मुझे ना रोके। रानी देवी, मेरा जादू पहले भी मिसफायर होता था और अब भी मिसफायर होता है, और ये सारे जादू मैंने नहीं बल्कि मेरी नानी ने किए हैं। और इतना ही नहीं, मैं प्रोफेसर भूल भुलैया से ट्यूशन लेने परिस्थान भी आई थी। क्या? सजा तो तुम्हें मिलेगी, गलती तुमने की है, सजा तुम्हें मिलेगी। नहीं रानी देवी, जिया ने गलती नहीं की, गलती तो मैंने की है, सजा मुझे दीजिए। आप सजा मुझे दीजिए, क्योंकि मैंने इनसे कहा था परिस्थान में जाकर प्रोफेसर भूल भुलैया से ट्यूशन लीजिए। रानी देवी, आप मेरी दीदी के बदले मुझे सजा दीजिए, पर मेरी दीदी को माफ कर दीजिए। मैं भी अपनी बेटी के लिए सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। नहीं, जिसने गलती की है सजा उसी को मिलेगी। जिया तुम्हारी सजा ये है कि तुम पृथ्वी लोक पर ही रहोगी, और जो जादुई शक्ति तुम्हारी थी वो तुम्हारे पास वैसी ही रहेगी। क्यों रानी देवी, मैं तो फेल हो गई हूँ ना? नहीं तुम फेल नहीं हुई जिया, तुम पास हो गई हो, क्योंकि जो हिम्मत तुमने दिखाई है सच बोलने के लिए वो बहुत बड़ी बात है। शायद मैं तुम्हारी जगह होती तो नहीं करती, बट सजा जरूर किसी को मिलेगी, और वो तुम्हारी नानी को। हाँ हाँ रानी देवी, आप बेशक सासू माँ को अपने साथ ले जा सकती हो परिस्थान 5 साल के लिए। सूरज, सजा इसको देनी है, मुझे नहीं। तुम्हारी सजा ये है कि 1 हफ्ते तक तुम जादू नहीं कर पाओगी। अच्छा, वैसे मुझे सजा मंजूर है।
मेरी जिया से 5 साल तक के लिए दूर रहने से तो अच्छा है कि मैं कुछ दिनों तक जादू ना करूं। I love you, नानी। ओह ये बढ़िया। I tell you सचमुच कमाल किया। I just love them। अच्छा।